आपके साथ रक्षा गोराटे और आप देख रहे हैं i4u न्यूज। अपने नृत्य कौशल से कई लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री दीपाली सैयद सामाजिक कार्य में भी सक्रिय है। इसके अलावा दीपाली सैयद सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। राजनीति में उनकी भागीदारी भी हाल ही में बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और बीजेपी को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया। दीपाली सैयद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक शब्दों में ट्वीट कर आलोचना की थी। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना अब उनके लिए काफी महंगा पड़ गया है। नतीजन ओशिवरा थाने में दीपाली सैयद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। अभिनेत्री दीपाली सैयद ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट की खूब चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इसीलिए सभी का ध्यान अब इस बात पर है कि पुलिस इस शिकायत के बाद क्या कार्रवाई करेगी। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए i4u न्यूज और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।